باجي उनके किसी को भी ना चाहा है ना चाहूं मैं फरीदुद्दीन मेरे हैं फरीदुद्दीन का हूं मैं फरीदुद्दीन मेरे हैं फरीदुद्दीन का हूं मैं बाबा साहब का कलाम पेश कर रहा हूं अभी उर्स गया बाबा साहब एक कव्वाल का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है नहीं तो सब पहचान पीर मेरा अली शाह के दरबार में उनका मुरीद आया कि पीर साहब कुछ मुझे कहे मैं क्या करूं तो बोला कुछ करना है तो जाओ बाबा साहब के दरबार हो क्या वहां जैसे ही जाते हैं तो जहां पर हर जगह हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद अब पीर साहब पीर मेरा अली शाह सिखा रहे थे उसको फिका हदीस वो जैसे ही आया वापस बोला क्या सीख क्या है बोला पीर साहब जो आप कह रहे हैं उसका उलट बोला क्या मतलब बोला आपने कहा हक अल्लाह और वहां तो हक फरीद चल रहा बोला नहीं वो तो कुछ गलत नहीं कर रहे कुरान खोलो कुरान जैसे खोलते हैं तो पढ़ते हैं फस्कुरूनी अस्कुरकुम तो बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने इतना अल्लाह 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 करा तो अल्लाह ताला ने अपनी सारी मखलूक को अब फरीद 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 फारूक के दुलारे होता तो उम्र होता उस उम्र फारूक
سارے نظام کیا ہوا ہر طرف لے گئی مجھے نسبت فرید کی سونے بابا اون کے قدموں میں سر کو جھکا کے
شكرا